आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल ड्राइव से पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, या फिर जो है गूगल ड्राइव की मदद से आप कैसे फ़ोटो का पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, इन्फोटिव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव की मदद से पीडीएफ फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे गूगल का जो फोल्डर होता है वहाँ पे चले जाना है और गूगल ड्राइव को ढूंढ लेना है, ढूंढ करके ओपन कर लेना है। तो हमारे फ़ोन में यहाँ पे है, सिंपली हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज जो है आ जाता है। यहाँ पे जो है आपको नीचे के साइड में एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपली जो है आपको ये वाला प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पर क्लिक कर देते हैं यहां पे काफ़ी सारा ऑप्शन है। सो यहां पे सिंपली आपको एक स्कैन का बटन देखने को मिल जाता है। स्कैन वाले बटन को जो है आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कर देते हैं आपका यहां पे कैमरा ओपन हो जाएगा। अब जो है आप जो भी फ़ोटो को पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं वहाँ पर जो है आपको उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। सो अगर आप कोई कॉपी का पन्ना का पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बेसिकली क्या करना है, उसका जो है फ़ोटो क्लिक कर लेना है यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो को क्लिक कर लिया और मुझे जो है इसका पीडीएफ फाइल बनाना है। सो यहाँ पे आपको ये वाला बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पे ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली जो है आपको इस प्रकार से जो है क्रॉप वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको जितना दूर का भी पीडीएफ फाइल बनाना है इस प्रकार से जो है आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है इतना ही बनाना है, इतना का ही पीडीएफ फाइल रखना है। डन वाले बटन को आपको क्लिक कर देना है और इस प्रकार का जो है ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, उसका सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन है कलर ब्लैकिंग वाइट, आपको यहाँ पे सिंपली कलर वाला बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको सेव वाले बटन को क्लिक कर देना है। आप इस प्रकार से बढ़िया से इसको एडिटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है एक्सटेंशन .pdf है। सो यहाँ पे आपको एक नाम दे देना है अपना पीडीएफ का, तो इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं। अब जो है सिंपली आपको यहाँ पे जो है माई ड्राइव वाला फोल्डर में ये सेव हो जाएगा, आपको बता रहा है जो भी फोल्डर में आपको सेव करना है यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे यही फोल्डर रहने देते हैं, उसका सिंपली आपको सेव वाले बटन को क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगा, उसका जो है ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है अपलोड होकर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल बन चुका है और फोटो का मैंने एक पीडीएफ फाइल बना लिया है। इसी प्रकार से आपको एक साथ दो तीन फोटो को बनाना है। सो यहाँ पे आपको एक साथ जो है आपको दो तीन फोटो को बनाने के लिए एक एक फोटो जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो को क्लिक कर लिया। सो यहाँ पे आपको डन कर लेना है और यहाँ पे ये वाला बटन को क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप एक साथ जो है दो तीन चार फोटो का जो है पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी बनाना है इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो बना लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।